क्यों कम है, जो भी हमारे मरने जीने के लिए जगह नहीं है तो फिर हम यहाँ रह के भी क्या करेंगे। ये तो सरकारी दोषी हैं, जितने भी आए हैं सब अधिकारी दोषी हैं। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं नोएडा के सेक्टर 86 गांव इलाहाबाद में। यहां पर बहुत सारे ग्रामीण हैं और मेरे साथ गांव के पूर्व प्रधान भी हैं राजेंद्र जी। हम इनसे बात करेंगे। इनकी यहां बहुत बड़ी समस्या है कि इनके गांव में अंतिम निवास नहीं है। यदि किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उस आदमी के अंतिम संस्कार के लिए इनको करीब 5-6 किलोमीटर जाना पड़ता है। ये बहुत विकट समस्या है। हर आदमी ने जिसने जन्म लिया है इस पृथ्वी पर, हर आदमी को यहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन उसको उसके रास्ते में जो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जब उसको ले जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए उसके शव को, तो उसमें उनको काफ़ी दिक्कतें आती है ग्रामीणों को। उन्होंने एक बहुत बड़ी समस्या बताई, हम इस पर बात करेंगे। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, मैं गाँव का पूर्व प्रधान रहा हूँ। हमारे ग्राम पंचायत में याकूबपुर इलाहाबाद सुनाया गाँव, 3 गांव लगते हैं। और हमारे गांव की समस्या सबसे बड़ी ये है कि हमारे गांव में शमशान नहीं है, जिसके लिए हमें 4-5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। जो भी रास्ते भी उबड़ खाबड़ हैं। सर, ये जो आपकी जो गांव जो है इलाहाबाद नोएडा में पड़ता है सेक्टर 86 में, इस गांव की करीब कितनी आबादी है? हमारे गाँव की आबादी 10-12 हज़ार के आबादी है पुरानी। और तीनों गांव आज के टाइम तो एक साथ ही मिलते हैं, इलाहाबाद, याकूबपुर और नया गांव। सो जैसे कि सर आपका गांव है सदियों पुराना है, ये बताया गया है, यहां पे हज़ारों की आबादी रहती है, तो यहां पे जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है कैसे भी, चाहे वो प्राकृतिक मृत्यु हो या कैसे भी हो, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए कहाँ जाते हैं फिर अब आप? उसके लिए हमें हिंडन नदी पर, जो कुलेसरा के पास पड़ती है, हिंडन ब्रिज के पास में जाना पड़ता है, जो कि बहुत ही गंदा रास्ता है, कूबड़ खाबड़ है, पत्थर पड़े हुए हैं रास्तों में, जो कि हमारे आधे लोग उसमें नहीं पहुंच पाते हैं और हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपके गांव में अब तक ये क्यों नहीं बना है अंतिम निवास? इसके लिए ही हमने काफ़ी जो अपने अधिकारी हैं, नोएडा अधिकारी और आदरणीय डीएम साहब और जो पीछे सरकारें आती रही हैं, हम पीछे शिकायत करते रहे हैं, हमें आश्वासन मिलते रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी बात को ठंडे बस्ते में रखा गया है। कहते हैं कि भाई जो ग्राम सभा की ज़मीन है उसमें शमशान निवास बनाया जाएगा। हमारे पास ऐसी ग्राम सभा की कोई ज़मीन नहीं है जो कि हम उसे बता सके। अच्छा, आपने इसकी डिमांड, जो आपकी मांग है कि हमारे जो गांव के आसपास बनाया जाए अंतिम निवास, अभी तक आपने जो इसकी मांग है, या आपने अभी तक किन किन लोगों को इसके लिए आवेदन किया है, पत्र भेजा है? नोएडा प्राधिकरण सीओ साहब को लिए, उसके एसीओ साहब के लिए, आदरणीय डीएम साहब के लिए, आदरणीय हमारे एमपी साहब जो डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं, पिछले योजना में मंत्री भी रहे हैं, आदरणीय पंकज जी जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, हम सब लोगों को लिखित में कह चुके हैं। केवल ये कहते हैं कि भाई बनेगा, आज तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ। तो क्या लगता है, अब आप जो है, जब आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, आपने वहाँ अपनी डिमांड रख दी है, उनको लेटर लिख दिए हैं, उनसे काफ़ी गुजारिश कर लिया, तो क्या लगता है आप कहाँ जा सकते हैं इसके लिए? आप कितनी और ऊँचे लेवल पर आप कार्रवाई करने की मांग करते हैं? हम आदरणीय जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके पास तक भी जाएंगे, और आदरणीय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे भी अपनी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमें जो भी हमारे मरने जीने के लिए जगह नहीं है तो फिर हम यहाँ रह के भी क्या करेंगे। सर, ये जो अंतिम निवास है मूलभूत एक मतलब जरूरत मानी जाती है, जो आदमी पृथ्वी पे इस पे आया है उसको जाना भी है, लेकिन जब उसको जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, डेस्टिनेशन, आखिरी जो डेस्टिनेशन होती है वो नहीं होगी, तो सर आदमी का कैसे मतलब है, कहते हैं कि उसकी कैसे वो होगा, मतलब पूरा उसका जीवन कैसे पूरा होगा? सर क्या लगता है, क्या आपके गाँव से कोई मतलब सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? और गाँवों में बने हुए हैं शमशान, हमारे गाँव में नहीं बना हुआ, नए गाँव का भी नहीं बना हुआ है। हमारे गाँव में सौतेला व्यवहार करा जा रहा है, कोई मान्यता नहीं दी जा रही शमशान के लिए। एक नोएडा जो है हाईटेक शहर बताया गया है, यहाँ पर करीब 250 सेक्टर बस चुके हैं, वो सारी सुख सुविधाएं हैं नोएडा में, मॉल, मेट्रो, मल्टीप्लेक्स, लेकिन जो आपके गांव में अभी तक अंतिम निवास नहीं बन पाया है, आप इसमें किसको जो है दोषी मानते हैं? ये तो सरकारी दोषी हैं, जितने भी आए हैं सब अधिकारी दोषी हैं। गाँव वालों में प्रधानों ने सबने प्रयास किया है, लेकिन उनको ठंडे बस्तों में डाल दिया जाता है, उन पर अमल नहीं किया जाता है। अच्छा, जो आपका जो गांव है इलाहाबाद, इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो ओबीसी, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग के जातियाँ हैं उनकी है, तो आज यहाँ पर पिछड़ा वर्ग आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं लोकेश प्रजापति जी, वो भी आज यहाँ पर आए थे, आपने उनसे ये डिमांड रखी? मैंने आदरणीय हमारे लोकेश प्रजापति जी जो राज्य मंत्री हैं इसमें पिछड़ा वर्ग से, उनके सामने भी अपनी समस्या के लिए रखा है, लिख के भी हमने दिया उनको, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस समस्या का समाधान कराया जाएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आदरणीय मंत्री जी हमारी समस्या का समाधान कराएंगे।